नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी कोशिश, एक ऐसा प्रयास जो शायद ही इंडियन टेलीविजन में किसी ने किया। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दरमियान हम नहीं चाहते थे कि हम मैड रेस में घुसे। हम उस रेस में घुसे जिसमें हम कोर्ट की जो बाउंड्रीज हैं, कोर्ट की जो लिमिटेशंस हैं, उनको स्टेप ओवर करें। इसीलिए ये वाला जो वीडियो चल रहा है यहां पर, ये हमने नहीं खरीदा। उस बंदे से बातचीत की, बातचीत रिकॉर्ड करके आपको सुनाई कल रात में, लेकिन हमने वीडियो नहीं खरीदा। और इसीलिए अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि ज्ञानवापी का वीडियो किसने बेचा। अमाउंट जो हमें ऑफर किया वो तो हमने बता दिया आपको कल, 3.5 लाख रुपए। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश रची गई ज्ञानवापी के सच को डिरेल करने की। साजिश कोशिश थी कि जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया है उनके केस को कमजोर किया जाए। यह एक साजिश थी, कोशिश थी कि जो इस मामले में कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसको डिसलॉज किया जाए। साजिश करने वालों ने कानून की कोई परवाह नहीं की, अदालत के निर्देशों को भी नजरअंदाज कर दिया, ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक कर दिया, जिन तथ्यों और सबूतों को फिलहाल गोपनीय रखा था वो पूरी दुनिया के सामने आ गए। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले वीडियो देने की पेशकश की गई TV9 भारतवर्ष को, लेकिन अदालत की मर्यादा, ज्ञानवापी के सच की खातिर हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते थे। उल्टे हमने सर्वे के सौदागरों को एक्सपोज कर दिया। लीक की साजिश बेपर्दा हो चुकी है। चंद रुपयों के लिए किया गया सौदा सामने आ चुका है। वादी पक्ष नाराज है, वो फिर से कोर्ट में जा रहा है, आज कोर्ट में पहुंच रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल बरकरार है कि साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। सोचिए जरा, वादी पक्ष ने ऑन रिकॉर्ड कल TV9 से बोला कि इस केस के बाद वी वॉन्ट टू कम क्लीन, और हमारे पास जो सील बंद लिफाफों में सीडी है हम वापस कोर्ट को देने जा रहे हैं। हमने वो सीडी इसलिए मांगी थी जिससे कि हमारा केस मजबूत हो, हम कुछ और चीजें देख पाए, लेकिन अब हम वो वापस देने जा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें इस तरीके से मीडिया के सामने आ गई। कौन है वो लोग? क्या ये बहुत बड़ा नेक्सस है? TV9 भारतवर्ष के वीडियो सौदे के खुलासे पर बड़ी खबर, वादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने की CBI जांच की मांग। सभी सीडी अदालत को लौटाने जा रहे हैं। हरिशंकर जैन ने कहा कोर्ट को हम इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरिशंकर जैन ने कहा सील बंद लिफाफे हमने खोले नहीं है, वो सील बंद लिफाफे हम कोर्ट में वापस करने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने किया सर्वे वीडियो के सौदा का खुलासा। हमारे साथ वादी पक्ष के वकील हरिशंकर जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं, कल जिस तरीके से वीडियो लीक हुआ है, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई साजिश है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और गहन विवेचना का विषय है, क्योंकि वादी पक्ष को जैसे ही मिला 6:30-7 करीब, मैं तो होटल आ गया था, तो हमारी बात नहीं रुकी थी कोर्ट में, उन्होंने लिफाफा नहीं खोला, मेरे पास सीधे लेके आई। लिफाफा वैसे ही सील्ड है जैसा कोर्ट से मिला था, और आज वो जमा भी कर रही हैं। देखिए, जो हमें आपने दिया था पूरा सील रखा हुआ है। ताजुब यह है कि 7 बजे चलना शुरू हो गया, लगभग 7 बज गए, 7:30-7:45 बजे मिला और लिफाफा खुला नहीं, और 7 बजे चलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब पहले लीक हो चुका था। आपको लगता है कि खरीद फरोख्त की बात हुई है, TV9 भारतवर्ष को भी इस तरह का ऑफर आया था कि आप ले सकते हैं वीडियो? देखिए, कहीं ना कहीं जो आपने प्रसारित किया है तो झूठ तो प्रसारित किया नहीं होगा, ऐसे तो जिम्मेदार चैनल है, ऐसे तो नहीं कहेगा। और जब आपने प्रसारित किया है तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी से किया होगा, सही होगा, और जिसने भी किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका जाँच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। क्या CBI वगैरह की जांच की बात करेंगे या अदालत से जो जांच हो उसकी बात करेंगे? मैं इसमें नहीं, किसकी जांच हो ये कोर्ट समझे, जिसको भी समझे, या स्टेट गवर्नमेंट समझे, जो भी सही जांच हो, चाहे CBI से हो, चाहे CIT से, जिससे भी समझे, वो जांच होनी चाहिए।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।